आई। उस ब्राह्मणी ने विश्वामित्र जी से पूछा, बाबा इस नारी का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और दे करके तारा को भी खरीद लिया। अब हरिश्चंद बिक गए, कालू मैतर के हाथों तारा बिक गई, ब्राह्मणी के हाथों अब बचा कौन? कौन बचा? रोहतास। अब दादा रोहतास ने देखा कि पिताजी को खरीद लिया कालू मैतर ने, माँ को खरीद लिया ब्राह्मणी ने, और मेरा बोल करने वाला कोई नहीं। तो ब्राह्मणी ने तारा से कही, तारा चल मेरे साथ मेरे घर। सो रोहतास ने देखो कि मैया छोड़ के जा रही है और मैया भी पिक गई, पिताजी भी पिक गए, अब हम ही रह गए, मेरा बोल करने वाला कोई है ही नहीं। सो रोहतास ने तारा के पैर पकड़ लिए और तारा के पैर पकड़ करके रोहतास जो थे वो रोने लगे और रो करके अपनी माँ से बोले, माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आज जैसे मेरे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हैं। माँ मुझे अपने साथ ले चलो, तुम जहाँ जा रही हो वहां मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अच्छा कहा जाता है ना दादा कि माँ संतान के बिना नहीं रह सकती और संतान अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। आपने एक चीज देखी हो कि घर में 1000 रिश्तेदार हो, घर में चाचा चाची दाऊ महाराज 1000 लोग घर में भरे पड़े हो, लेकिन जब तक कहीं घर में माँ नहीं दिखाई देती है तब तक घर सूना ही सूना लगता रहता है। ये हमेशा याद रखना। और आप कितने भी महाराज वृद्ध हो जाएं, कितने भी वृद्ध हो जाएं, आप अगर कहीं बाहर से भी आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि घर में माँ कहाँ चली गई। अगर माँ एक सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल हो जाती है तो महाराज हमेशा पूछते हैं कि माँ कहाँ गई, पूछते कि नहीं कहाँ गई माँ। और एक चीज और आपने देखी हो कि जब व्यक्ति बीमार होता है, बीमार तो बीमारी में वो इंसान भगवान को याद नहीं करेगा। अगर बीमार हुई है तो महाराज उसके मुख से हमेशा मैया ही निकलत रही, सही याद है कि नहीं? मैया ही निकलत रही है बीमार हुई है तो, क्योंकि माँ का और बच्चों का संबंध जो होता है बड़ा ही अटूट होता है। रोहतास ने तारा के पैर पकड़ लिए, रोई के बोलो मैया तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि हे माँ तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। और रोहतास ने रो करके कहा है, मैया कि लगता जीवन की और सांसों का इस तन से छोड़ के जा रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो, माँ मुझे अपने साथ ले चलो ना तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। देख लो तुम्हारा बेटा छोटा है, किसके सारे जिएगा कैसे रहेगा इस अनजान दुनिया में, इस अनजान लोगों में कहां भीख मांगेंगे। मैया सुनो
अरज मेरी जीवित नहीं रह पाऊंगा। अरे जाने से पहले एक बार तो देख, तेरा बेटा कितना छोटो है, तेरे बिना मर जाएगा, कैसे रहेगा तेरे बिना, मैं अपने साथ ले चल। तारा ने अपने लला की बात सुनी, छाती पे लगाई लो पूत, हम तो कहू छोड़ के ना जाए तो अपने संग लेवाए चलिए। लाल मेरे तू रो नहीं, मैं जहाँ जाऊंगी तो तुझे साथ लेके चलूंगी। अब तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़े, मैया तने 20 बार सोना दे के मोई खरीद लो, एक एहसान कर दे जो एहसान तुम जिंदगी भर ना भूले, तो 20 बार सोना दे के मेरे लला को खरीद ले। एक मैया के पुत्र को अलग ना कर मैया, तू 20 बार सोना दे के मेरे पुत्र को खरीद ले, तू मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं अपने लाल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो ब्राह्मणी ने तरस खा करके 20 बार सोना दिया और दे करके रोहितास को भी खरीद लिया। अब तीनों प्राणी बिक गए। कालू मेहता ने हरिश्चंद से कहा, हरिश्चंद चल मेरे साथ, बहुत देर हो गई तेरा ये रोना धोना, चल मेरे साथ। हरिश्चंद चलने लगे। अब देखिए हरिश्चंद के मन में इतना कष्ट है, हरिश्चंद के मन में इतना दुख है कि जब कालू मेहतन ने कहा चल मेरे साथ, तो हरिश्चंद चलने तो लगे लेकिन मुड़ के अपने पुत्र अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखा। जब मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा तो हरिश्चंद ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो तारा ने जवाब दिया, महाराज जा रहे हो लेकिन जाने से पहले एक बार